तो हाँ मेरा भाई, कैसे का है। तो आज अपन बात करने वाले हैं एलविश यादव और रैंडम सेना के बीच जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसके बारे में। देखो भाई, एलविश यादव फंस चुके हैं बहुत बड़ी दुविधा में, क्योंकि कैसे मैसे करके मैक्सन का मैटर तो सॉल्व ही हुआ था कि ये रैंडम सेना वाले आ गए, और रैंडम सेना वाले एलविश भाई के पीछे तो हाथ धो के पड़ गए। एंटी हिंदू एलविश यादव, गद्दार एलविश यादव, शेम ऑन एलविश, धोखेबाज एलविश, और इतना ही नहीं, रैंडम भाई ने एलविश यादव को ट्विटर के ऊपर इतनी गंदी गंदी गाली बक दी कि मैं आपको सुना भी नहीं सकता। और इतना ज्यादा ट्रोल रैंडम भाई क्यों कर रहा है पता है? क्योंकि एलविश यादव ने मुनार फारूकी को गले लगा लिया, जिसपे मुनार फारूकी भी यही सोच रहा होगा कि साला इन्होंने तो मुझे आतंकवादी बना दिया। क्योंकि देखो, रैंडम सेना जो है वो कट्टर हिंदू सनातन ग्रुप है, और जो भी हिंदू धर्म का विरोध करता है रैंडम सेना उसकी खटिया खड़ी कर देती है। और यही मुनार फारूकी के साथ भी किया था, क्योंकि मुनार फारूकी ने सीता माता और श्री राम का अपमान किया था, जिस वजह से रैंडम सेना शुरुआत से ही मुनार फारूकी को हेट करते आ रही है। जिस वजह से जैसे ही रैंडम सेना ने एलविश यादव को मुनार फारूकी को गले लगाते देखा, जब से ही रैंडम सेना और एलविश यादव की कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई। लेकिन रैंडम सेना ने पहले एलविश यादव को बहुत सपोर्ट किया, जैसे बिग बॉस के अंदर, क्योंकि एलविश यादव शुरुआत से ही हिंदू धर्म को सपोर्ट करते आ रहे, जिस वजह से रैंडम सेना भी पहले एलविश यादव को फॉलो करती थी। लेकिन जब से ही मुनार फारूकी और एलविश यादव की गले मिलने वाली फोटो देख ली, जब से ही रैंडम सेना ने एलविश यादव को अनफॉलो कर दिया और एलविश यादव को एंटी हिंदू साबित करने लग गई। फिर रैंडम सेना ने एलविश यादव को ये कहा कि तूने हिंदू लोगों को धोखा दिया है कट्टर हिंदू बता के, और मुनार फारूकी को गले लगा लिया, तो हिंदू लोगों से माफी मांग। लेकिन एलविश यादव ने रैंडम सेना से माफी नहीं मांगी। फिर क्या, एलविश यादव ने रैंडम सेना को हल्के में ले लिया, जिसको देखने के बाद रैंडम सेना वाले ने भी एलविश यादव को गालियां बकना चालू कर। फिर क्या, तुमको क्या लगता है एलविश यादव इतना कुछ सुनने के बाद चुप बैठेगा? तो एलविश यादव ने जो रैंडम सेना का मेन था उसकी फोटो स्टोरी पे लगा दिया और उसका एड्रेस लीक कर दिया। इसके बाद रैंडम सेना वाले को भी जान से मारने की धमकी आ रही थी, जिसको देखने के बाद रैंडम सेना ने भी एलविश यादव के खिलाफ एक्सपोज वीडियो अपलोड कर दिया। और एलविश यादव जिस रैंडम सेना को हल्के में ले रहा था, उसी रैंडम सेना ने एलविश यादव के 132,000 फॉलोअर कम कर दिए और एलविश यादव के खिलाफ रेट लगवा दी। हेलो गद्दार सट्टेबाज एलविश, से सॉरी टू हिंदूज। 5,00,000 कमेंट का टारगेट था, जिसमें 4,32,000 कमेंट तो हो चुके हैं। तो इन दोनों की कंट्रोवर्सी तो ऐसे ही चलती रहेगी। वैसे आप किसको सपोर्ट कर रहे हो मुझे कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना, और इसी इंटरेस्टिंग सी न्यूज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो देखते अपन आगे क्या होता है, जब तक के लिए बाय।